चलो चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 11 के ऊपर। बुक का नाम है बियॉन्ड नंबर्स, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो इसमें एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो तुमको कह रहा है उसको हम देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या है, यदि जनरली तुम देख रहे हो चैप्टर का नाम क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें तुमको क्या है, जनरली टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन है। यानी तुम लोगों पढ़े हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे चेंज कर, तुम उसी ही रिलेटेड। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान दें, ठीक, तो हमको क्या कर दिया है कि किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। ठीक, हम कैसे चेंज करते हैं उसको हम पहले तरीका बता दें। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है पर आवर है, और यहाँ चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड। तुम जानते हो कि किलोमीटर और मीटर दोनों एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट कहने का मतलब क्या है, एक ही माँ की संतान है। जैसे यानी क्या है, किलोमीटर से भी क्या होता है, लेंथ में मापता है, मीटर से भी क्या होता है, लेंथ ही मापा जाता है या डिस्टेंस मापा जाता है। और आवर और सेकंड भी दोनों क्या है, एक ही माँ की संतान है। आवर और सेकंड दोनों क्या करता है, टाइम को नाप, ठीक है, और किलोमीटर और मीटर दोनों डिस्टेंस को नाप। यानी हमको क्या चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और आवर को सेकंड में। ऐसा नहीं समझ रहे कि आवर को तुम मीटर में चेंज करते हो, किलोमीटर को सेकंड, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो तुम जानते हो बाबू कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और एक आवर में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। यानी एक आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब इसी को हमें चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है 1000, और आवर को चेंज करना है सेकंड में, 2 0 से 2 0, 5 1, तो 5/18 हम दिलवाया। यदि हम किलोमीटर पर आवर में यदि 5/18 से गुना कर दें तो किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और इसका बात ठीक उल्टा रहेगा, यदि मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना करते हो तो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तुमको सारे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन तुमको बता करके दिखा देते हैं। पहला में क्या कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 54 किलोमीटर पर आवर। तो अभी बताएं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ध्यान दो, 18 दिया है 54 ना, तो क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन तुमको कर लेना है खुद से एक तक। ठीक है, और अगला क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच इन किलोमीटर पर आवर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना दे दिया है, 160 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 × 18/5, 32 से 32 मतलब है ना, 32 × 18, कैलकुलेशन कर लोगा जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 32 का कैलकुलेशन कर लो, 320, और 32 अट्ठी ना, तो 30 अट्ठी कितना हो जाता है, 240, 2 8 16 यानी 256, गुना कर रहे उसमें जोड़ दो, 6 5 2 7 और 3 2 5 यानी 576 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुमको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मिल गया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड तुमको क्या कर रहा है, ये कार रन्स एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 12 सेकंड। एक बात और ध्यान रखना बाबू, यूनिट जब भी निकालना तो समान यूनिट से ही निकालना। यानी क्या है, यदि तुमको किलोमीटर में है, यदि तुमको डिस्टेंस का है किलोमीटर में है, तो तुमको टाइम जो लेना पड़ेगा आवर रखना पड़ेगा। यदि तुमको टाइम क्या है, यदि ये मीटर में है तो टाइम रखना पड़ेगा सेकंड। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है, यदि हम यहाँ पर किलोमीटर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम आवर लेंगे, मीटर ले रहे हैं तो सेकंड। यहाँ पर क्या दिया है कि कार रन एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस टू ट्रेवल इन 12 सेकंड। तो हमको क्या निकालना है, 12 सेकंड में निकालना है, तो इस यूनिट को भी हमको क्या करना पड़ना चाहेगा, किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू, स्पीड और गुना क्या हो जाता है, टाइम ना, स्पीड गुना टाइम। स्पीड तुमको कितना दे दिया, 48 किलोमीटर पर आवर,
और समय तुमको कितना दे दिया है, 12 सेकेंड। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या कर लें सेकंड को किस में चेंज कर देते हैं, आवर में, तब 1 किलोमीटर ला जाएगा ना, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में, नहीं तो अन्यथा इस किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड, जो तुमको करने का इच्छा। ठीक है, आइए हम कर देते हैं, 48 किलोमीटर पर आवर है, तो हम सेकंड को ही किस में चेंज करते हैं, आवर में। सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 60 गुने 60 से भाग न देना पड़ेगा, सेकंड किस में चेंज करना है, आवर में, कितना से भाग देना पड़ेगा, 60 गुना 60। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 8 48 तो जरूर रहेगा, और तो कट न रहा है, 6 दूनी 12, 6 दहा 60, 9 क्या हो गया, 8 दूनी 16 बटा 10, यानी 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस हो। ठीक है, यदि मीटर में आंसर देगा तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना ना, यानी 1600 मीटर। ठीक है, तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इसमें हम एक और तरीका क्या हम बोल रहे थे कि मीटर पर सेकंड के माध्यम से ना, तो आओ देख लो हम मीटर पर सेकंड के माध्यम से भी कैसे कर ले। 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 बटा 18 से गुना 12 है, काट दो, 6 दूनी 12 36 18, 3 से 1 कट जाएगा, 16। थोड़ा सा सही गड़बड़ कहाँ उसको हुआ होगा, 0 का, हाँ 1 0 यहाँ पर और था ना बाबू, देख लो ये 6 से 48 8 मिनट तक कटते हैं, 1 0 और ना है, 1 0 और आ जाएगा, तो 1600 मीटर ना होकर के क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 16 बटा 100 ना, यानी क्या हो जाएगा, 160 मीटर। ठीक है, यहाँ पर गलती पकड़ा गया ना, इसमें चले तो 16 85 दूनी 160, यानी दोनों से चले आंसर सेम ही आए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, ये कार्ट इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 380 मीटर से। अगेन दे दिया है, 1 का यूनिट हमको किस में दे दिया है, किलोमीटर पर आवर में, और 1 का यूनिट दे दिया है, हम क्या करते हैं इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो तुम ये वाला जो है मीटर है इसको चेंज कर दो, किसमें, किलोमीटर में ना, किलोमीटर, उनको क्या निकालना है, टाइम ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या कह रहा है, कार्ट जो है जो रनिंग, यानी कार्ट यानी कोई गाड़ी जो है जो स्पीड से चल रहा है, कितने का स्पीड से, 3.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो 300 मीटर जाने में कितना समय लगे, तो डिस्टेंस दे दिया है 380 मीटर में है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग दे देते, स्पीड दे दिया है तुमको कितना, 3.6 किलोमीटर पर आवर ना, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 36 है तो ऊपर जाएगा ना, 1 0 से 1 0 और कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऐसे छाप दो, 38 बटा 360 आवर में आया, आवर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अमन पासेस थ्रू अ स्ट्रीट ऑफ 270 मीटर लॉन्ग इन 9 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन किलोमीटर पर आवर। इसमें पहले ही से हमको डिक्लेयर कर दिया है कि हमको आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दे, अमन जो है पास कर रहा है यानी जा रहा है एक गली को, गली यानी गली मोहल्ला, सुना अरे गली जो गली है उसी को बोलते हैं, कितना लंबा गली है, 270 मीटर लंबा है, कितना देर में कवर कर रहा है, 9 सेकंड। तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो स्पीड पावर क्या हो जाता है, फॉर्मूला डिस्टेंस और बटा क्या होता है, डिस्टेंस कितना दे दिया है, 270 मीटर, टाइम दे दिया है 9 सेकंड, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और हमको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आता है ना, क्या करना पड़ता है, 18 बटा 5 से गुना, 5 6 31 18 6 108 ना, 108 किलोमीटर पर। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ जाते हैं, ये स्कूटर इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, विच कम्प्लीट्स इट्स जर्नी इन 5 आवर 30 मिनट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूटर हैज कवर्ड। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, स्पीड गुना टाइम ना, स्पीड गुना टाइम, अगेन हमको स्पीड कितना दे दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम किस में दे दिया है, 5 आवर दिया है और 30 मिनट है,
तो हमको एक ही यूनिट में रखना होगा। तो मिनट वाला भी पार्ट को हम किसमें चेंज कर देंगे, आवर में चेंज। तो 5 आवर 30 मिनट क्या ले सकते हो, 5 आवर और 30 मिनट को क्या ले सकते हो, हाफ आवर ना, तो 5 मिनट और हाफ आवर और नाइट हो रहा है, यानी 5.5 घंटे। 5.5 घंटा कैसे नहीं लेते हो, 5 9 1/2, यानी टोटल तुमको टाइम कितना हो गया, 11/2 आवर ना। हम टाइम ले सकते हैं 11/2, तो सही है, 36 मरतबे ना, 36 × 360 यानी 396 किलोमीटर ना। एकदम यूनिट का सिर्फ ख्याल रखना है, बाकी और कुछ भार नहीं है, सब उतना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्लेन लीव्स वाशिंगटन एट 5:30 PM ऑन फ्राइडे एंड रीचेज दिल्ली एट 4:45 PM ऑन सैटरडे। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेसेज इतना किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हमको अगेन क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस और बटा टाइम। डिस्टेंस क्या कह रहा है कि फ्राइडे को चला था कितना बजे, 5:30 PM, पहुंच रहा है कितना, 4:45 PM में ही पहुंच रहा है, मगर पहुंच रहा है कब, सैटरडे। तो 5:30 से पहले तो इसको 5:30 PM से चल रहा है। ठीक है, तुम जानते हो बाबू कि 12 बजे तो एम हो जाता है, पीएम से और एम के बीच में ध्यान देना कि 5:30 PM है, इसको तो सबसे पहले एम में जाने के लिए कितना जर्नी करना पड़ेगा, एम कब से स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा एम। ठीक है, 12 बजे से एम स्टार्ट होगा, घड़ी पहले इसको हम टाइम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझ। तो कितना हो जाएगा, 5:30 PM से कि हाफ आवर इधर और 6 आवर उधर, यानी 6.5 घंटा लग गया तुमको, क्या लग गया कहाँ तक बाबू, ऐसे करते हैं 6 × 1/2 आवर, कहाँ पर, एम पहुंचने में ना, एम पहुंचने में 12 बजे। अब 12 बजे से लेकर के ठीक अगले 12 बजे तक क्या चलेगा, यार एम चलेगा, यानी अब 12 घंटा तक एम चलता है, उसके बाद फिर ना पीएम आएगा, तो 12 घंटा और हो गया। अब पीएम चला तो पीएम में कितना हो गया, 4:45 ना, 4:45 यानी 3/4 45 मिनट को आवर में चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, देख लो 45 15 14। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। अब ध्यान दो, तुम सब लोग को घड़ी मोबाइल में देखते हो तो बताता हुआ कि 12 बजे ठीक रात से लेकर के 12 बजे दोपहर दिन तक वो क्या कहते हैं हम, पीएम। अब 12 बजे दिन के से लेकर के 12 बजे रात तक वो क्या कहते हैं, पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5:30 PM से ना चढ़ा है तो पहले तो उसको एम आएगा ना, क्योंकि वापस इसको सैटरडे में पीएम है, तो अगला दिन आना ही पड़ेगा। तो 5:30 से पहले तो इसको एम में जाने के लिए 6.5 घंटा ना, और उसके बाद फिर से पीएम में आने के लिए 12 घंटा, और फिर से पीएम में कितना चला है, 4:45 तक ना। ये कितना होगा, 6 × 2 = 12 1 13/2 + 12 और क्या होगा, 4 × 2 = 16 3 19/4। ठीक है, ये टोटल टाइम में हो जाएगा, टाइम को जोड़ दो, 4 LCM हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 26 ना, आई हो जाएगा 12 × 2 = 48, आई हो जाएगा 19 ना, तो 9 8 17 6 13 है ना, 9 8 17 6 23। ठीक है, यानी 2 2 2 4 2 6 1 7, यानी 73/4 घंटा हमको टोटल टाइम। डिस्टेंस दे दिया है ना कितना, 12:50 और टाइम हो गया 73/4 घंटा ना, 4 जो कैलकुलेशन करके आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, स्पीड होगा, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर। ध्यान से क्वेश्चन क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ। ए ट्रेन लीव्स लखनऊ एट 8:30 AM और रीचेज मुंबई एट 7:30 PM। ठीक है, एट एवरेज स्पीड दे दिया है 55 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस पूछ रखा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या क्या होता है बाबू, स्पीड और गुना क्या हो जाता है, टाइम ना, स्पीड गुना टाइम। तो 8:30 AM से 7:30 PM अगेन ध्यान दे दो बाबू, 8:30 AM है, 8:30 AM ठीक है, उसको तुमको कहाँ जाना है, 7:30 PM, 8:30 AM से सबसे पहले तो इसको पीएम में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 8:30 से 12 तक ना, तो 12 तक यानी 3:30, और 3.5 घंटा में पीएम चला गया, फिर 7.5 घंटा और ना, 7:30 ने कहा था, 7 × 3 = 10 यानी 11 घंटा टोटल इसका टाइम हो गया। स्पीड कितना था, 55 ना, टाइम कितना हो गया, 11 घंटा, गुना कर दो जो आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा, किलोमीटर में आएगा जो जाएगा तुमको आंसर, ध्यान से टाइम जोड़ना।
रामचंद्र कवर से डिस्टेंस ऑफ 62.5 किलोमीटर है 90 मिनट्स ऑन स्कूटर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड में कह रहा है। हम सबसे पहले क्या निकाले थे, स्पीड निकाले थे। स्पीड बराबर तुमको क्या हो जाता है बाबू, तुम जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और बटा क्या हो जाता है, टाइम ना। डिस्टेंस कितना दे दिया है, 62.5 किलोमीटर में है। टाइम कितना है, 90 मिनट है, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से भागा ना, तो 90 में 60 से भागा देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तुम जानते हो ऑटोमेटिक, 0 से 0 कैंसिल, नीचे 10 ना आ जाएगा, जो भी तुमको गुना करके आ जाएगा, ऐसे आओ कर दो, 3 6 और 3 3 9, ठीक है, तो तुमको क्या आ जाएगा, 625 × 2/3, ये तुमको क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तुमको किस में चाहिए आंसर, मीटर पर सेकंड में ना, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो एक बार और तुमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना कर, जितना कैलकुलेशन करके आ जाएगा वही तुम्हारा। आगे बढ़ जाओ, ए जीप इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 9 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1.5 मिनट, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, टाइम पूछ रहा है, कवर कितने के लिए डिस्टेंस, 9 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के लिए ना, तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड ना, तो डिस्टेंस कितना कह रहा है, 9 किलोमीटर, स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना हो गया, 1/4, ये आंसर है। बी क्या कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 1.5 मिनट ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट यानी 1/1/2, यानी क्या हो जाएगा, 3/2 ना, तो 3/2 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भागा, भागा दे दो, तो कैलकुलेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 ना, 6 10 60, यानी 36 18, दूसरे 3 मरतबे कटिया जाएगा, तो 3 3 यानी 9/10 किलोमीटर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस नहीं कर रहा था। आगे बढ़ गए, ए गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24.3 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट, ही हियर्स द साउंड आफ्टर 25 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड व्हिच इज टेल, द स्पीड निकालना है, द स्पीड और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और बटा टाइम ना, डिस्टेंस कितना का किया था, 24.3 किलोमीटर ना दूर था, और यहाँ से उसको है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया, सुना है कितना में दे दिया, 27 सेकंड, 27 सेकंड है, आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600 से भागा ना, 60 × 60 2700 में, तो सीधे ऊपर चला नीचे आ जाएगा 10, कैलकुलेशन कर लोगे वही आंसर होगा, 27 सेकंड जाना चाहिए, 27 × 20 = 180, 9 मिनट आ जाएगा तुमको, 9 × 360, ये कितना आ जाएगा तुमको, स्पीड ने कह रहा था किसमें आया, किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ जाते, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर पासेस इन इलेक्ट्रिक पोल इन 16 सेकंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 256 मीटर लॉन्ग। ए ट्रेन जो है क्या कर रहा है, स्पीड से कितना का स्पीड से चल रहा है, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पोल को कितना देर में ट्रेवल कर रहा है, 16 सेकंड में पार कर जा रहा है, हम इसका निकाल लेते हैं, तो ट्रेन जो है पोल को कहते हैं, ट्रेन पास कब होता है, जब ट्रेन का इंजन और ट्रेन का पीछे वाला बोगी दोनों पार कर जाए, तब हम कहते हैं कि ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस कर गई, तो हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है या नहीं, तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल लेते हैं कि ट्रेन कितना लंबा है ना, तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड गुना टाइम ना, तो 64 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 16 सेकंड है, तो सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 × 60 यानी 3600 से भागा, ठीक है, एक कितना गया, डिस्टेंस किलोमीटर में ना गया बाबू, अच्छा सॉरी यहाँ पर मीटर में दिया, तो इसको मीटर में ही रन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान है, 16 सेकंड है, 1 किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम क्या किस में चेंज कर पड़ जाएगा, ऐसा कर लेते, तो 64 किलोमीटर पर सेकंड में 5/18 से, और 16 सेकंड ना, कर लो कैलकुलेशन, 6 से कटेगा, लग तो ना रहा है कि 6 से कटेगा, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रख दो, इतना
हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 8, और तो कुछ बिहार ना रहे कटने के लिए, ना कटे। 8 5 40 19 64 बटा 9 इतना मीटर हो गया, कौन हो गया बाबू? ट्रेन हो गया, ट्रेन इतना। अब हम निकाल लेते हैं प्लेटफॉर्म को 256 मीटर को कितना टाइम लगेगा। तो प्लेटफॉर्म भी 256 मीटर लंबा है, तो प्लेटफॉर्म को यदि कोई ट्रेन पार कर रहा है तो उसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म वाला भी डिस्टेंस ऐड हो जाता है, इसमें ये भी डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तुमको क्या आ जाएगा, तुम भिन्न के जोड़ निकाल लेना, जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यही डिस्टेंस। अब तुमको क्या करना है, टाइम ने पूछ रहा है तो टाइम निकाल लेना। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बटा स्पीड है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही तुमको हो जाएगा 40 64 बटा 9 प्लस 256, यही तुमको डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड कितना है, 64 किलोमीटर पर आवर ना, जिसको भी मीटर में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में 5 बटा, यही तुमको क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन खुद से कर लेते। ये ट्रेन है 225 मीटर लॉन्ग, इट इज रनिंग एट इन फॉर्म 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 525 मीटर। ध्यान देना, अभी हमने क्या कहा कि ट्रेन किसी को पार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ट्रेन का अगला पोर्शन और पिछला पोर्शन दोनों ना ब्रिज को भी क्रॉस कर रहा है ना, तो ब्रिज में क्या हो जाएगा, ट्रेन का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हम पहले निकाल, तो क्या हो जाएगा 525 प्लस 225 ना, तो 5 × 7 750 मीटर डिस्टेंस। स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर, अगर हम निकाल लेते हैं, पूछ रहा था कुछ टाइम ना, हाउ मच टाइम, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का क्या करना पड़ेगा, या तुम रहने दो, ये मीटर में दे दिया है और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मीटर को ही चेंज करते हैं किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने में क्या करना पड़ता है, 1000 से भागा दे देते हैं भागा, ये आसान नजर आ रहा है। सिंपल क्या होगा, 1/100, ये क्या आ गया तुमको आवर ना। आगे बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ 324 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज इतना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म इतना मीटर में, अगेन डिस्टेंस इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो 216 मीटर प्लेटफॉर्म है, 324 मीटर का ट्रेन है, तो कितना डिस्टेंस होगा, 3 × 2 = 5 = 24 16 40 ना, तो 540 मीटर डिस्टेंस हो। तुमको टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 540 मीटर, स्पीड कितना दे दिया है 40.5 किलोमीटर पर आवर में ना, ये मीटर में ना है, ये चेंज कर दो किलोमीटर में, चेंज कितना टाइम होगा वही। चल यही था तुम्हारा एक्सरसाइज 11। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।